कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे यार, कब तक? कितनी बार तुमने हर रोज खुद से बोला है कि अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब से 10 घंटे पढ़ लेंगे, इंस्टा रील छोड़ देंगे, यूट्यूब शॉर्ट छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे और पढ़ाई पे फोकस लगा देंगे। कितनी बार तुमने खुद से झूठ बोला है यार। अगर आज इस 7 डे चैलेंज को ले रहे हो ना, तो एक बात को याद रखना, इस 7 दिन के अंदर बहुत सारी परेशानी आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट जब भी तुम डीमोटिवेट होगे ना, तो एक बात को याद रखना, इस चैलेंज को तुमने लिया था खुद के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि आज इस वीडियो पे इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें जानना है कि हम टॉपर कैसे बन सकते हैं अगले 7 दिन के अंदर, है ना? इसलिए आए ना यहाँ पर कि प्रशांत भैया एक ऐसी जड़ी बूटी हमें आज खिला देंगे जिसको खाते ही हम टॉपर बन जाएंगे, यही सोच रहे हो। तो मेरे दोस्त, आज कुछ ऐसा तो तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ कि तुम 7 दिन के अंदर टॉपर बन जाओगे, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। 7 दिन के अंदर टॉपर बनना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट 7 दिन में कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें फॉलो कर, अगर इन हैबिट्स को फॉलो करते हो ना तुम, तो 7 दिन के अंदर शायद तुम टॉपर तो ना बन पाओ, बट तुम्हारे अंदर एक आग आ जाएगी, एक फायर आ जाएगी, और वो फायर दुनिया को जलाने के लिए काफी है, वो फायर तुम्हें 1 से 2 महीने के अंदर टॉपर बनाने के लिए काफी है। इस बात को याद रखना, 7 दिन का जो आज मैं चैलेंज देने वाला हूँ, एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, उसको तुम्हें फॉलो करना है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा अगले 7 दिन। तैयार हो अगर अगले 7 दिन के लिए, तभी इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो से अभी भी जा सकते हो। चलो, क्या बोल रहा हूँ मैं उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आइए देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक है रोहित एक है मोहित। कौन है? रोहित और मोहित, दोनों क्लास 12th के स्टूडेंट। अब होता क्या है ना कि रोहित और मोहित दोनों ही सेम स्कूल में जाया करते थे, दोनों का जो स्कूल था वो सेम था, दोनों की कोचिंग जो ट्यूशन थी वो भी दोनों की सेम थी, दोनों सेम ही बुक्स को पढ़ते थे, ये भी सेम बुक्स को पढ़ता था, ये भी सेम बुक्स को पढ़ता था। जो हमारे रोहित भाई साहब थे ना, वो तो बड़े इंटेलिजेंट थे, तो वो ना बहुत घंटे पढ़ते थे। वो कितने घंटे पढ़ते थे? वो डेली 6 घंटे पढ़ रहे थे, 6 आवर्स। और जो हमारे मोहित भाई साहब थे, वो पढ़ते थे कितने? 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे। अब 12th बोर्ड का आता है रिजल्ट, और रिजल्ट देख के तो पूरा स्कूल चौंक गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे जो मोहित भैया थे ना, इनका जो रिजल्ट आता है वो आता है 95%, और रोहित का रिजल्ट आता है कितना? 75%। तो सब शॉक हो गए, तुम भी शॉक हो गए होगे, यार वो डेली 6 घंटे पढ़ता था फिर भी इतना कम स्कोर क्यों, और वो कम पढ़ता था फिर भी इतना ज्यादा स्कोर क्यों। सब शॉक हो गए और गए मोहित के पास पूछने, यार मोहित भाई एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई भी कम करी, हमारा स्कोर भी इतना अच्छा आया, ये कैसे करा तुमने? तो पता है मोहित ने क्या बोला? मोहित ने बोला कि कुछ ऐसी गलतियां थी जो कि रोहित करता था और बाकी सब स्टूडेंट्स करते थे, बट मैं नहीं करता था। तो जो रोहित भैया थे, ये आए मोहित भैया के पास और इन्होंने बोला, यार क्या गलतियां थी जो मैं करता था और तू नहीं करता था भाई? तो मोहित बोलता है, चल तेरे को तेरी गलतियां गिनवाता हूं। ऐसी 3 गलतियां थी जो कि तूने अपनी प्रिपरेशन के दौरान करी, और तुम भी इन 3 गलतियों को कर रहे हो। अगर इन 3 गलती के तुमने सोल्यूशन जान लिए ना, तो ऑटोमेटिकली तुम टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। देखो जो मोहित है ना, वो रोहित से बोलता है, यार एक बात बता, तू कितने घंटे पढ़ता था डेली? तो जो हमारे रोहित भैया हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं तो डेली 6 घंटे पढ़ता था रोज। तो मोहित फिर से पूछता है, सच सच बता कितने घंटे पढ़ता था? तो रोहित बोलता है, यार 6 घंटे ही पढ़ता था, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? फिर मोहित बोलता है, यार एक्चुअली मैं तू 6 घंटे नहीं पढ़ता था। क्यों? क्योंकि कितना समय तू अपना अलग अलग चीजों में बर्बाद कर देता था, जैसे कि फोन, डिस्ट्रैक्शन। बहुत बार हुआ है ना कि तुम पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, अचानक से तुम्हारे माइंड में आया कि यार YouTube शॉर्ट्स देख लेता हूँ, और फिर YouTube शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते तुम्हें घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। बहुत बार तुम केवल किताब खोलकर बैठे होते हो, बट तुम्हारे जो थॉट्स है वो कहीं और ही चल रहे होते हैं, लैला मजनू के ख्याल तुम्हें आ रहे होते हैं, होता है, इतनी बार होता है। तो मोहित यही बता रहा था रोहित को कि जो पहली प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट की। तुझे ऐसा लगता है कि तू 6 घंटे पढ़ रहा है, बट रियलिटी में तू 6 घंटे नहीं पढ़ रहा, तू अपने टाइम को खराब कर रहा है। 6 घंटे पढ़ता ही नहीं था, तू अपना टाइम टेबल तो बनाता था, बट उस टाइम टेबल को डेली फॉलो नहीं कर पाता था, और उसके बाद रात को तुझे रिग्रेट होता। हमारे साथ भी होता है ना, टाइम टेबल बनाते हो, फॉलो नहीं हो पाता, फिर सोचते हो कि यार मुझे मैथ के आज 2 चैप्टर करने थे, 1 ही कर पाया, और रात को फिर तुम्हें बहुत रिग्रेट होता है। हो रहा है ना सबके साथ, ये रोहित के साथ भी होता था। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इनके लास्ट में एक एक करके सोल्यूशन भी बताऊंगा, बट पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। अब रोहित बोलता है कि यार ये वाली प्रॉब्लम्स तो मैं समझ गया, अब मुझे बता दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी मिस्टेक क्या है। तो फिर मोहित बोलना स्टार्ट करता है, मोहित बोलता है, अच्छा एक बात बता, तेरे साथ ये कितनी बार हुआ है कि तू पढ़ता तो है, तू ढंग से पढ़ता तो है, बट जब तू एग्जाम में बैठता है तो तू सब कुछ भूलने लगता है, फिर दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता उस समय पर, तेरी मेमोरी खत्म हो जाती है, तुझे ऐसा लगता है कि यार पढ़ा तो था बट याद नहीं आ पा रहा, तुम फॉर्मूलास को भूलने लग जाते हो। कितनी बार तुम्हारे साथ होता है ना,
एग्जाम में जब तुम बैठते हो तो तुम्हें चीजें याद नहीं आ पा रही होती, कितनी बार होता है ना। तो रोहित ने भी बोला, हाँ यार ये तो मेरे साथ बहुत बार होता है यार, ये तो हर एग्जाम में होता है। तो पता है मोहित क्या बोलता है? मोहित बोलता है, तेरे दिमाग की गलती नहीं है, तेरे दिमाग की गलती नहीं है, तेरी मेमोरी पावर की गलती नहीं है, गलती है तेरे लर्निंग टेक्निक्स की। तू गलत तरीकों से चीजों को याद कर रहा है, तुझे तरीका नहीं पता याद करने का। अगर तुझे तरीका पता होता याद करने का तो तू कम पढ़ के भी सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर डाल सकता है। वो तरीका क्या है वो बाद में बताएंगे लास्ट में। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 2। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3। तो अब इस मिस्टेक के अंदर ना हमारे जो मोहित भैया है वो रोहित से बोलता है, अच्छा यार रोहित एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि तू अपने दिन का सबसे ज्यादा समय कहाँ खराब करता है? तो ये जो हमारे जो रोहित भैया हैं वो थोड़ा बहुत सोचते हैं और बोलते हैं कि यार मैं ना वो खेलता हूँ फ्री फायर, मैं गेमिंग करता हूँ, मेरा सबसे ज्यादा समय गेमिंग में खराब होता है। अगर मैं तुमसे भी सवाल पूछूं तुम अपने दिन का सबसे ज्यादा समय कहाँ खराब करते हो, तुम क्या बोलोगे? या तो गेमिंग होगा, या तो यूट्यूब होगा, या तो इंस्टाग्राम होगा। बट अगर मैं तुमसे बोलूं ये तीनों ही गलत आंसर है, सबसे ज्यादा तुम अपने दिन का समय खराब करते हो प्लानिंग में रिसोर्सेज में। मतलब समझाऊं, बहुत ध्यान से इमेजिन करो, तुमने सोचा है कि आज मुझे साइंस का एक चैप्टर पढ़ना है, फिर तुम क्या करते हो? तुम पहले तो ढूंढते हो कि यार मुझे साइंस का ये वाला चैप्टर कौन से टीचर से पढ़ना है, क्या मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, क्या मुझे नोट्स से पढ़ना है। फिर तुम नोट्स ढूंढते हो, फिर उसके बाद तुम प्लान बनाते हो कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है इस चैप्टर को। फिर तुम ये देखते हो कि यार अच्छा मुझे इस चीज़ को ऐसे करना है, इसका रिवीजन ऐसे करना है। आधे से ज़्यादा समय तो तुम इन चीज़ों में लगा देते हो। 99% स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहे हैं, ये गलती रोहित ने भी करी है। गलती क्या है, ये रोहित क्या करता था ना कि एक चैप्टर को इस टीचर से पढ़ता था, दूसरे चैप्टर को इस टीचर से पढ़ता था, तीसरे चैप्टर को इस टीचर से पढ़ता था, अलग अलग। क्यों? बिकॉज ऑफ यूट्यूब की वजह से सब अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, नोट्स किसी और टीचर के फॉलो कर रहे हैं, बुक किसी और टीचर की ले रखी है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये थी हमारी 3 गलतियां। अब इन गलतियों के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके तीनों मिस्टेक्स के सॉल्यूशन बताऊंगा। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यार देखो, बहुत बार ना स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि यार प्रशांत भैया क्या हम आपसे 1-to-1 बात नहीं कर सकते, क्या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हम पर्सनल अपने डाउट्स आपसे पूछ सकें। तो यार देखो, उसी के लिए मैं एक लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ हमारी खुद की वेबसाइट के अंदर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर तुम जाओगे तो कल मतलब संडे को शाम को 6 से 7 के बीच में हम एक लाइव सेशन लेने वाले हैं, जिसमें कि मैं तुमसे 1-on-1 बात कर पाऊंगा। अब ये जो लाइव सेशन है वेबसाइट पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है, फिर डाउट सॉल्व नहीं हो पाते। तो लाइव सेशन है कल 6 से 7 के बीच में, जरूर आ जाना। और उसके साथ साथ एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए, जो कि मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूंगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो वो जो पहली गलती थी ना कि तुम टाइम टेबल बनाते हो, तुमसे फॉलो नहीं हो पाता, फिर तुम्हें रिग्रेट होता है, इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, इसका एक बहुत नॉर्मल सा सोल्यूशन है। यार तुम्हें ना ढूंढना पड़ेगा तुम डिस्ट्रैक्टेड होते क्यों हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं भैया किसकी वजह से, मोबाइल फोन की वजह से, यूट्यूब की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से। तो देखो, इसका एक बहुत नॉर्मल सा सोल्यूशन है। ये जो तुम्हारा मोबाइल फोन है ना, अभी तुम इस पर इंस्टा रील देख रहे हो, इसी मोबाइल फोन को अपना वेपन बनाना। वेपन कैसे करना, क्या है ना, तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना इस स्ट्रैटेजी को, मैं बोलता हूँ पढ़ ले स्ट्रैटेजी। तुम्हें क्या करना है ना, अपने मोबाइल के अंदर इमेजिन करो आप पढ़ते हो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है, एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब 12 से 4 तक पढ़ाई करते हो, तो आपको क्या करना है ना, हर एक घंटे पे अलार्म सेट कर लेना है, हर एक घंटे पे अलार्म सेट कर लेना है। मतलब 12 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे और 3 से 4 पे, हर एक घंटे पे अलार्म सेट कर लेना अपने फोन के अंदर, और उस अलार्म का टाइटल रखना अरे भाई पढ़ ले। तो इससे पता क्या होगा यार, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते अचानक से। बहुत बार तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो ना, अपना फोन चलाने लगते हो और वैसे ही अचानक से अलार्म बजेगा। जैसे इमेजिन करो आप 12 बजे पढ़ने बैठे थे और आप 12:30 पे क्या हुआ, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। जब 12:30 से 1 बजे तक डिस्ट्रैक्टेड थे, बट 1 बजे आपका अलार्म बजेगा, अरे भाई पढ़ ले, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैं तो अपना समय खराब कर रहा हूँ, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आया। तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा और तुम वापस पढ़ने आ जाओगे। तो ये क्या है, पढ़ ले स्ट्रैटेजी। ये जितनी भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, करना क्या है तुम्हें, अगले 7 दिन तक फॉलो करना है। और अगर तैयार हो ना इसे फॉलो करने के लिए तो अभी कमेंट कर देना यस आई विल फॉलो, और प्लीज वही करना क्योंकि जेन्युइनली तैयार हैं जो करने वाले हैं। और जो 7 दिन बाद फॉलो हो जाए ना, तो या तो इसी कमेंट के नीचे लिख देना मेरे से फॉलो हो गया, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज लिख देना मैंने भैया फॉलो कर लिया, 7 दिन मेरे पूरे हो गए। तो जो पहली प्रॉब्लम थी, होपफुली उसका सोल्यूशन तो मिल गया होगा। आप बढ़ते हैं सोल्यूशन नंबर 2। प्रॉब्लम 2 थी कि यार हमें चीजें याद नहीं होती। तो इसका जो रीजन है ना, वो ये है तुम्हारा पढ़ने का तरीका बहुत बेकार है। आज के समय पर ना हम रटते हैं, बट एक मेथड तुम्हें बताता हूँ, एक्टिव रिकॉल मेथड। देखो अगले 7 दिन इस मेथड को ट्राई करना। तुम्हें करना क्या है, जैसे इमेजिन करो आपकी फिजिक्स की क्लास हुई, आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते होगे, या फिर आप स्कूल जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, कहीं से तो पढ़ते होगे। तो इमेजिन करो आज आपके फिजिक्स का चैप्टर 1 की एक क्लास हुई, मतलब आपके कोचिंग के अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
जैसे ही आप कोचिंग से घर आते हो या फिर जैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लास खत्म होती है, तो आपको केवल 10 मिनट लगाने हैं, ओनली 10 मिनट्स लगाओ और क्या करो, जो आपके टीचर ने पढ़ाया है ना उसको 10 मिनट के अंदर रिवाइज करो। आप नोट्स में तो लिखते होगे, तो उसको फटाफट से 10 मिनट के अंदर रिवाइज करो। उससे पता क्या होगा, आपकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी, जब टीचर ने पढ़ाया आपकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी चीजें तो पहुंच गई थी, बट जैसे ही आप रिवाइज कर लोगे ना केवल 10 मिनट के अंदर, तो वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। और इस मेथड को हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। इसके अंदर करना क्या है आपको, जो भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है ना उसको एक बार देखो, बुक को बंद करो, नोटबुक को बंद करो और आंख बंद करके अपने दिमाग के अंदर उसको थोड़ी इमेजेस उसकी बनाने लग जाओ, सोचने लग जाओ कि अच्छा यार सर ने मुझे पढ़ाया था कि यार फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में सर ने मुझे ये बताया था, फिर ये बताया था, फिर ये बताया था। ऐसे ये होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। अगर ये कर लिया वो रिवीजन की प्रॉब्लम ही खत्म, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज लो ना, जैसे ही तुम्हारा लेक्चर खत्म होता है तुम घर आते हो केवल 10 मिनट दो। अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, तीन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में बस 10-10 मिनट दे दो, अचानक से रिकॉल हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, भूलने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं वो जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 थी, क्या थी, कि हम बहुत ज्यादा टाइम प्लानिंग में खराब करते हैं, रिसोर्सेज में खराब करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत नॉर्मल स्ट्रेटजी बताता हूँ, RQR स्ट्रेटजी। ये क्या होती है, पहले आर का मतलब है रिसोर्सेज, क्या है रिसोर्सेज, ठीक है, दूसरे का मतलब है क्वेश्चंस और तीसरे का मतलब है रिवीजन, क्या है रिवीजन। अब इसका क्या मतलब है बहुत ध्यान से समझना, RQR देखो, हर सब्जेक्ट के लिए जैसे इमेजिन करता हूँ क्लास 10th का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और उसका एक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो उसे ना तीन स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि मैथ्स को मैं पढ़ूंगा कहां से, मेरे मैथ्स के लिए मेन रिसोर्स क्या होने वाला है, क्या मैं NCERT से पढ़ूंगा, क्या मैं अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ूंगा, क्या मैं स्कूल टीचर से पढ़ूंगा, क्या मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा, किसी भैया से पढ़ूंगा, फर्क नहीं पड़ता, कहां से पढ़ रहे हो, रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूंगा, क्या मैं आरडी शर्मा से करूंगा, क्या मैं आरएस अग्रवाल से करूंगा, क्या मैं किसी क्वेश्चन बैंक से करूंगा, एक रिसोर्स क्लियर होना चाहिए। और तीसरी चीज रिवीजन, मैं रिवाइज कहां से करूंगा, क्या मैं खुद के नोट्स बना रहा हूं या फिर मैं किसी और के नोट्स से रिवाइज करूंगा। ये तीन चीजें हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लियर कर लो आज के आज, अभी के अभी। तो जो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स है ना उन सभी के मैंने सलूशन बता दिए, अब काम तुम्हारा है, फॉलो तुम्हें करना है, तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें फॉलो तो नहीं करवा सकता, बहुत सिंपल सी बात है। अगर फॉलो करने वाले हो कमेंट लिख देना, भैया मैं इसे फॉलो करूंगा, भैया इसे मैं फॉलो करूंगी, और करना है मतलब करना है, खुद से धोखेबाजी मत करना। मुझसे झूठ बोल लोगे, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलोगे, खुद से कब तक झूठ बोलोगे। एक दिन ना जिंदगी आईना दिखाएगी, और वो आईना जब दिखाएगी ना तो बहुत दर्द होगा, जब पता चलेगा ना इतने साल खराब कर दिए, इतने साल अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं कहां पर होता। तो याद रखो खुद से झूठ नहीं बोलना। अगर आज लिख रहे हो ना यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज, तो अगले 7 दिन तक जो बताया है ना आज उसे फॉलो करना। तो आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो कि मैं तुम्हें बोला था कि मैं लास्ट में करने वाला हूं। तो देखो अनाउंसमेंट क्या है, जो मैंने वेबसाइट के नीचे लिंक दी है ना जिसमें मैं लाइव आने वाला हूं कल, उसी पे ही एक हमने नया कोर्स लाइव कर दिया है। कोर्स क्या है, बड़ा ही शानदार कोर्स है, एवरेज टू टॉपर इन 7 डेज। अब ये जो कोर्स है ना ये आपके लिए 7 दिन का एक बड़ा ही शानदार कोर्स है, जो कि आपकी मदद करने वाला है टॉपर बनने के लिए। देखो एक टॉपर बनने के लिए ना आपको 7 चीजें आनी चाहिए, जैसे कि आपकी ब्रेन पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको नोट्स बनाना चाहिए, आपको टाइम टेबल बनाना आना चाहिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक कोर्स के अंदर हमने ला दिया है। 7 लेक्चर्स हैं, हर एक लेक्चर में डिटेल्ड में बताया है, जैसे कि हाउ टू मेक टाइम टेबल, तो टाइम टेबल बनाते कैसे हैं, उसके अंदर डीप रिसर्च करके मैंने पूरा कंटेंट आपके लिए बनाया है। 7 लेक्चर्स हैं, पूरा कोर्स बना दिया है, 7 दिन में आप अगर उस कोर्स को फॉलो करते हो आराम से आप टॉपर की कैटेगरी में आई जाओगे। तो इसकी जो हमने फीस रखी है वो केवल 199 रखी है, और वो फीस भी हमने इसलिए रखी है क्योंकि हम चाहते थे कि यार देखो अगर मैं फ्री में दे देता ना यूट्यूब पे तो लोग ऐसे कंटेंट की वैल्यू नहीं करते, मैं चाहता हूं वही लोग इस कंटेंट को देखें जो कि वैल्यू करते हैं, जो कि एक्चुअल में टॉपर बनना चाहते हैं। तो इसलिए इसका एक बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है, और केवल 1000 बच्चे इस बैच के लिए मैं लेने वाला हूँ, केवल 1000 स्टूडेंट्स। तो मुझे नहीं पता वो 1000 स्टूडेंट्स कब फील हो जाएंगे, शायद इस वीडियो के एक दिन में ही हो जाए, पता नहीं 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, मुझे नहीं पता, पर जितना जल्दी तुम इनरोल कर लोगे तुम्हारी भलाई है। तो लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में एवरेज टू टॉपर के बारे में, अगर तुम्हें और डिटेल जाननी है इस कोर्स के बारे में तो तुम वेबसाइट पे जाओगे, वहीं पर ही तुम्हें पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से जाकर इनरोल कर लो, और प्राइस कम तुम्हारे लिए रखा है ताकि तुम वो टॉपर की कैटेगरी में आ जाओ। जल्दी जाओ और कल मतलब संडे को 6 बजे लाइव सेशन को अटेंड करना मत भूलना। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का।